भाई वाह, वीना के हाथों का जवाब नहीं हा? तो क्या उनके आँख कान नाक मुंह का कोई जवाब है? नहीं, उसका भी कोई जवाब नहीं है। अरे बता रहे हैं, तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो अपने आप में लाजवाब है। वो तो है। हमारा कहने का मतलब ये है, तुम्हारी मम्मी के हाथ के बनाए हुए ये पकौड़े और चटनी वावा है, वावा। अयोध्या आपको और दें? नहीं नहीं, हमको नहीं, हमारे बॉस के लिए भेज दो, उनको तुम्हारे हाथ का बना हुआ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, छोटी के हाथों से भिजवा देंगे। अरे, अरे तुम लोग ये दो दो ट्रंक काहे को ला रही हो, गांव जा रही हो क्या? आयो दादा आप भी ना, अरे हम ही कहे थे कि उन्हीं कपड़ों का ट्रंक नीचे उतार के लाए, वो कहा है ना सर्दी आने वाली है, तो हम सोचे कि उन्हीं कपड़ों को धोकर सुखाकर धूप दिखा दे और तैयार कर दे, और आपका कोट भी तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना पड़ेगा ना। हाँ हाँ समझ गए भाई, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, जाड़ा जल्दी आ रहा है, स्वेटर निकालेगा कब? वाओ, ये तो डैडी का कोट है ना डैडी, बहुत अच्छा है। डैडी का अगर ये वाला कोट मम्मा पहनेंगी तो डैडी से कम नहीं लगेंगी। हाँ 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 पहन लो, एकदम हैंडसम लगोगी। प्लीज मम्मी एक बार पहन कर दिखाइए ना। अयोध्या तुम लोग बोरा गई हो का? बिना अब तुम्हारा डायलॉग बोलते हैं। अरे पहन लीजिए ना, लड़कियाँ इतने प्यार से कह रही हैं। अयोध्या अरे वाह, कितनी हैंडसम लग रही हो। अयो दद्दा ए जी, पिछले सर्दियों में लाजवंती ज्वेलर से 80,000 का कोई नेकलेस खरीदा था। 80,000? कापू क्या हुआ, चुप का है, बुद्ध बने का है बैठे, कुछ बोलिए ना। अरे ये तो अपना हीरा लाल जी की बीवी के लिए। अयो दद्दा, बीवी हीरा लाल जी की और नेकलेस खरीदे आप? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि खरीदा तो हीरा लाल जी ने ही था, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए हम गए थे, तो फिर हम वहां से लेके उनको दे दिए, ये बिल देना बस भूल गए। अच्छा, और 80,000 का बिल आपका बॉस मांगा नहीं? अरे यूं समझ लो कि वो मांगना भूल गए और हम देना भूल गए। हमारे लिए तो खरीदना ही भूल गए थे। तुम ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हें भूल जाएंगे। अरे अब मम्मा, डैडी आपसे कैसे आंखें चुरा चुरा के बातें कर रहे थे, मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ नीला है। पीला नहीं स्वीटी, काला होता है। अरे चुप करो तुम लोग, दिल का तार बना देती हो। मम्मा मैं हीरालाल जी के घर पे पकौड़ी और चटनी दे आई। बहुत अच्छे, कुछ बोले का? हाँ, पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मी ने इतनी अच्छी हरी चटनी बनाना कहाँ से सीखा। अयो दादा तो तुम कहाँ बोली? मैंने कह दिया कि मम्मी की पर नानी ने मम्मी की नानी को सिखाया, मम्मी की नानी ने मम्मी की माँ को सिखाया, और फाइनली उन्होंने मम्मी को सिखाया। अयो दादा जरा देखो तो किसका फोन है। हाँ उन्हीं का फोन है। हमारे हाथों में तो आटा सना है। एक काम करो ना बेटा, तुम फोन रिसीव करो और स्पीकर पे डाल दो। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ भाभी जी नमस्ते। वाह क्या चटनी बनाई है आपने, कमाल की है। ये तो उंगलियां चाटते रह गए थे अपनी। धन्यवाद धन्यवाद। एक दिन ना मैं आपको अपने घर बुलाकर आपसे हरी चटनी बनाना जरूर सीखूंगी। आयो तो तका है नहीं, जब भी बोलेंगे हम आ जाएंगे। सारी चटनियाँ एक तरफ और आपकी हरी चटनी एक तरफ, मतलब 100 सुनार की और 1 लोहार की। बीवी हीरा लाल जी की और नेकलेस खरीदे आप? खरीदा तो हीरा लाल जी ने ही था, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए हम गए थे, ये बिल देना बस भूल गए। अयोध्या अरे भाभी जी आप बहुत अच्छा की जो हमको फोन कर ली, हम सुबह ही आपको याद कर रहे थे। अच्छा का है ना सर्दी आने वाली है, तो हमने उन्हीं कपड़ों का ट्रंक नीचे मंगवाया था बच्चों से, और उसकी कोट की जेब में से ना एक ज्वेलर का बिल मिला है 80,000 रुपए का, गोल्ड नेकलेस का, जो हीरालाल भाई साहब ने पिछली सर्दियों में आपके लिए खरीदा था। ये क्या कह रही हैं आप,
लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। इन्होंने कोई नेकलेस नहीं खरीदा। अच्छा बीना जी, मैं फोन रखती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। इन्होंने कोई नेकलेस नहीं खरीदा। अरे तो क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो? चाय उबल रही है, गिर जाएगी। अयो दादा, हमें तो आपके मन में कुछ उबलता नजर आ रहा है। हमारे मन में क्या उबल रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि हमारे अंदर एक चूल्हा जल रहा है तो सर पे कुकर रख के सीटी लगा दो। और क्या? क्या? बॉस की वाइफ ने ऐसा कहा? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बॉस की वाइफ ने तो साफ साफ कह दिया कि ना तो बॉस ने कोई नेकलेस खरीदा है और ना ही किसी से खरीदवा कर उन्हें दिया है। छोटी, चलो जाओ, तुम जाकर अपना होमवर्क करो। मुझे नहीं लगता कि पापा झूठ बोल सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पापा ने झूठ बोला होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, पापा झूठ बोल ही नहीं सकते। पर क्या पता अगर बोले होंगे तो? बिल्कुल नहीं बोले होंगे। अरे मारे बापू ऐसे है ही नहीं जो झूठ बोल सके। पर मारे को इस बात की कंफर्मेशन हास है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को अपने डैडी पे बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। पर ऐसे मामलों में तो लोग झूठ बोल ही देते हैं। बिना बहुत भोली भाली है वो, ऐसे दूसरों के पछड़े में नहीं पड़ती तो उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। रही बात हमारी बेटियों की, तो एक एक बेटी 10-10 करमचंद जासूस के बराबर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनसे हमको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को कानो कान खबर ना हो कि मामला क्या, समझ रही हो? हाँ बस। मम्मी आप रोइए मत, पापा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको उन पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी, हम सबको ना बापू पर फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ वो तो मुझे भी है, और अगर फिर भी पापा ने ऐसा कुछ किया होगा तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। अरे दादा, चाहे जो भी वजह हो ऐसा वैसा काम करने की, लेकिन बात तो परेशानी की है ना। मैंने फिल्मों में देखा है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना तो वो हीरोइन के लिए ट्रेजेडी होती है और देखने वालों के लिए कॉमेडी। तुम कहाँ कह रही हो? और क्या, कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, घर वाली, बाहर वाली, नो एंट्री, साजन चले ससुराल, सैंडविच, जिस किसी फिल्म में भी पति पत्नी के बीच में वो आई है ना, उस फिल्म में हीरोइन रोती है और पब्लिक हंसती है। और अब आप भी रोकर पब्लिक को हंसने का चांस दे रही हैं। स्वीटी, कभी तो सिचुएशन देखकर डायलॉग बोला कर। ओके ओके। मम्मी आप प्लीज मत रोइए ना। मैंने अभी ना उस लाजवंती ज्वेलर्स को कॉल करके इस मामले के पीछे के मामले को सामने लाने का ट्राई करता हूँ। वेरी गुड। हेलो लाजवंती ज्वेलर्स। हेलो, क्या हो रहा है? बिना, तुम क्या रो रही हो? और तुम लोग इतना परेशान काहे लग रही हो? मम्मा रो रही है इसीलिए हम लोग परेशान हैं। हाँ लेकिन मीना तुम काहे रो रही हो? क्योंकि हम लोग परेशान हैं। एक मिनट, ये रोना और परेशान होने का तालमेल हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पहला रो रहा है क्योंकि दूसरा परेशान है, या फिर दूसरा परेशान है इसलिए पहला रो रहा है? क्या है राधिका, तुम बताओ क्या? पापा चलो तुम ही बताओ। मीनाक्षी दीदी की शादी और विदाई के बारे में सोच कर मम्मा रो रही है। ओहो, ये बात है। अरे बीना क्या, एक बेटी के बारे में सोच के इतना रो रही हो? तुम्हारी 5 बेटियां हैं, ऐसा करो 5 के बारे में एक साथ रो के खत्म कर डालो। तो मामला निपट जाएगा, है ना। हम ये काम निपटा के आते हैं। चलो
मन्ने अभी फोन करूँ सो हाँ काजल मुझे नहीं लगता फोन करने से कोई भी बात बनेगी तू एक काम कर ये बिल लेकर मेरे साथ लाजवंती ज्वेलर्स तक चल वहाँ जाकर हमें कुछ जानकारी मिल सकती है है ना हाँ जी ठीक रहेगा दीदी है ना चलो आते नहीं नहीं मम्मी प्लीज चुप हो जाइए ना रोइए मत प्लीज मम्मा चुप हो कैसे सकती है मम्मा मीनाक्षी दीदी की शादी और विदाई के बारे में सोचकर थोड़ी ना रो रही है वो तो उस 80,000 के नेकलेस के बारे में सोचकर रो रही है चुप अयो दादा हम 80,000 के हार के बारे में सोच के नहीं रो रहे हैं हम तो ये सोच के रो रहे हैं कि वो 80,000 का हार तुमने पापा किसको दिया किसी को दिया है स्वीटी जी कहाँ है ये पीपल के सूखे हुए पत्ते की तरह उड़कर कहाँ जा रहे हैं एक बात तुमको आज सच बता दें तुम्हारी जो तीखी जुबान है ना हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अच्छा तो ये बताइए ये दो मुहावरों में से कौन सा मुहावरा सुनना पसंद करेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका या खिसियाई बिल्ली खंबा नोची हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं नमस्ते हमें आपकी मदद की जरूरत थी मुझे ये जानना था कि बिल का जो पेमेंट करने आए थे क्या उनके साथ कोई और भी था ये आप कैसे पता चल सकता है जी अरे ये सीसीटीवी कैमरा इसकी फुटेज से पता नहीं चल सकता देखिए सीसीटीवी फुटेज हर 15 दिन में ओवरराइट हो जाता है इसलिए मुश्किल है जी अब क्या करें प्लीज मेरे पे कुछ तो देख कर बताइए आपको 23 दिसंबर का सीसीटीवी फुटेज चाहिए हाँ 23 दिसंबर को तो हमारी दुकान की सालगिरह होती है जी हर साल हम उस दिन का सीसीटीवी फुटेज सेव करके रखते हैं वाह बहुत बढ़िया तो ये ना शाम 7:30 बजे का बिल है तो 7 से 8 बजे तक की फुटेज की डीवीडी हमारे घर पर भिजवा देंगे जरूर जरूर अब पेन ये हमारे घर का एड्रेस है थैंक यू अरे नहीं नहीं एक मिनट हमारी बात तो सुनो हम जो बोल रहे हैं ना तुम सिर्फ वो ही समझो और उतना ही करो ठीक है ना क्योंकि अगर अगर हमारी पोल खुल गई ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है तुम समझ रही हो ना हाँ हाँ अच्छा सुनो बार बार लैंडलाइन से कोई हमको फोन कर रहा है हम फोन काटते हैं बाद में बात करेंगे ठीक है हाँ हेलो हेलो हम लाजवंती ज्वेलर से बोल रहे हैं लाजवंती ज्वेलर क्या है आप हमको काय फोन किए अभी आधा घंटा पहले छोकरे के हाथों आपके घर डीवीडी भिजवा दी है डीवीडी काय की डीवीडी पिछले साल 23 दिसंबर को जब आप हमारी दुकान पर नेकलेस खरीदने आए थे उसकी डीवीडी अरे लेकिन आपको ये सब करने को कौन बोला शायद आपकी बेटियां आई थी तू जहां मैं वहां संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां लाजवंती ज्वेलर से डीवीडी लेकर आया हूं थैंक यू सो मच ओके मैम मम्मा ये देखिए लाजवंती ज्वेलर से कोई डीवीडी आई है कौन सी मूवी की हो सकती है अयो दादा इसमें क्या हो सकता है मम्मी से हमने मंगवाया है इसमें उस टाइम की फुटेज है जब पापा लाजवंती ज्वेलर से नेकलेस खरीदने गए थे अयो दादा तो जल्दी लगाओ ना देखे इसमें क्या है हाँ। आज अगर घर पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो सबके सामने हमारी पोल खुल जाएगी एक भी रिक्शा नहीं है ना कोई सवारी है हमारे स्कूटर को भी आज के दिन खराब होना था बिना कोई कोई डीवीडी
तुम हमको आनंद माथुर समझी थी तो हम क्या रामप्रसाद निकले? हाँ, दादा नहीं, हम आपको दूध का धुला समझे थे, लेकिन आप तो पानी के धुले भी नहीं निकले। दीदी, डैडी तो रोज नहाते हैं, तो फिर पानी से धुले हुए कैसे नहीं है? क्या कह रही हो बीना? जी, आप हमारा विश्वास तोड़े हैं। हाय, मोटी रोते हुए कितनी सुंदर लग रही है, सच। अरे तुम ये बेकार की बातें मत करो। हाँ? बेकार की बातें हैं? हाँ? अपनी पोल खुल गई तो हमारी बातें बेकार की लग रही है। अरे हम तुमसे नहीं कह रहे हैं, हम, अरे तुम हमको गलत समझ रही हो। हम आपको बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि बहुत देर से समझे हैं, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मम्मी, मम्मा। अरे तुम ये क्या कह रही हो बीना? अब बीना के बिना जीना सीख जाइए, हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं मायके अपनी अम्मा के पास। बलिया अम्मा। बापू, मम्मी को प्लीज रोक लीजिए ना। अरे प्यारी एजी, हमें पता है आप ऐसे वैसे नहीं हो। अरे हम ऐसे वैसे नहीं है तो इसको कैसे बताएंगे कि हम ऐसे वैसे, तुम समझ रहे हो ना? इसीलिए अगर मोटी मैके जा रही है ना तो जाने दीजिए ना, अरे वहां जाकर सूकर उपला बन जाएगी ना, तब उसे पता चलेगा। अरे तुम थोड़ी देर क्वाइट रहोगी? दीदी। अरे चाचा जी, आप, प्रणाम। खुश रहो चाचा जी, प्रणाम। खुश रहो, सबके सब खुश रहो। पर नहीं रह सकते। क्यों? आप देख नहीं रहे, मम्मा की आंखों से आंसू आ रहे हैं और हम सबके चेहरे पे 12 बज रहे हैं। अरे इसीलिए तो मैं आया हूँ। चाचा जी, अच्छा किए जो आप आ गए, अब हम आपके साथ ही चले चलेंगे मायके। गलत वजह से मायके जाने की जरूरत नहीं है बीना, हम तुम सबको वो राज की बात बताने आए जिसे आनंद बाबू ने किसी को भी बताने से मना कर दिया है। नहीं चाचा जी, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। नहीं आनंद बाबू, आज हमें बताने दीजिए। अयोध्या चाचा जी, जल्दी बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि टीना की शादी में हमने उसकी ससुराल वालों से वादा किया था कि हम टीना को एक नेकलेस ला करके देंगे, क्योंकि शादी में इतना सारा खर्चा हो गया था, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। वो तो ऐन वक्त पे आकर के आनंद बाबू ने हमारी इज्जत रख ली, हमारी भांजी के साथ खुद बाजार जा करके 80,000 का सोने का हार खरीदा और हमारा वादा पूरा किया। ये बात हमसे कहे नहीं कहे, हमसे कहे छुपा है। आयो दादा, हम आपको कहा समझे थे और अब कहा निकले? तुम हमको राम प्रसाद समझी और हम आनंद माथुर निकले? नहीं आयो दादा, हाँ आप बहुत अच्छे हैं जी। ए जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो। अरे माफी, माफी मांगने वाला कोई काम किया ही नहीं है तुमने भाई, बस तुम्हारे मन में एक शक पैदा हो गया था। बुरा ना माने तो एक बात पूछे, ये भी बता दीजिए कि फोन किससे कर रहे थे आप? अरे फोन हमने एक चाचा जी को किया था और एक टीना को किया था। आनंद बाबू की वजह से टीना के ससुराल वालों के सामने हमारी बात रह गई। चाचा जी बस अब रहने भी दीजिए ना, काहे को शर्मिंदा कर रहे हैं। ए जी, सुनते हैं तो तुमको क्या हमारे सुनने पर शक है? अयोध्या नहीं, वो हम कहना चाह रहे थे कि हमें ना आप पे बहुत गर्व है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली। अब हमको भी एक बात कहनी है। अयोध्या कहिए ना। अरे तुम बेकार में शर्माओ नहीं, हाँ तुमको कुछ नहीं कहना है हमको। अयोध्या तो किससे कहना है? अरे हमारे प्यारे दर्शकों से। अब क्या कहना है? कहना ये है कि अब 14 नवंबर से हम 7:30 बजे नहीं बल्कि शाम 8 बजे आपका मनोरंजन करने आएंगे, तो देखते रहिए हम पांच फिर से।
हाँ